हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फैशन वर्ल्ड। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मीशो का काफी सारा कलेक्शन, एंड जितना सारा कलेक्शन है फेस्टिव है एंड बहुत ही डिसेंट है एंड बहुत ही प्यारा सा है। सो आज के इस हॉल में आपको मिलने वाली है साड़ीज, जो कि 1 मिनट साड़ी है, एंड कुर्ता सेट, कुर्तीज। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए हैं, जो लोग अभी न्यू है मेरे चैनल पर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल बटन, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज एंड उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उन्हें देख पाए। तो यहाँ पर सबसे पहला कुर्ता जो मैं यहाँ ले रही हूँ वो कुर्ता सेट है, एंड ये देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा सा प्रिंटेड जॉर्जेट का ये कुर्ता सेट है, जिसमें आपको कुर्ती मिलती है कुछ इस तरीके से। ये देखो, पर्पल कलर में प्रिंटेड है ये, और नेक जो है इसका वी नेक है। वी नेक पे आपको लेस वर्क मिल जाएगा जो काफी सुंदर लग रहा है। ये जॉर्जेट मटेरियल है इस तरीके से, ये एक पाकिस्तानी कुर्ता आप इसे बोल सकते हो। नीचे टैसल्स लगे हुए हैं एंड हाई लो पैटर्न है इस तरीके से, कुछ एक योक वाला पैटर्न दे रखा है, और नीचे आप देख सकते हो इस तरीके से टैसल्स दे रखे हैं व्हाइट कलर के। एंड ये स्लीव्स है जहां पर आपको आगे जो है ये बेल स्लीव मिल रही है, और ये है टैसल्स जो कि नीचे घेरे पे भी दे रखे हैं। सो ओवरऑल इस तरीके का ये कुर्ता है। किनारे पे यहाँ पे कट दे रखा है इस तरीके से, अंदर इनर दे रखा है क्रेप मटेरियल का, काफी सॉफ्ट वाला है। बैक से आप देख सकते हो कुछ ऐसे है। तो ये पैटर्न काफी न्यू लगा मुझे और काफी अच्छा लगा। एंड नीचे जो है वो धोती स्टाइल में आपको इस तरीके का मिल रहा है पैटर्न में। ये बॉटम ये इलास्टिकेटेड है आगे पीछे दोनों से ही, और ये क्रेप मटेरियल है। एंड आगे पैटर्न देखो उसका कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब एकदम पार्टी वियर लग रहा है, एकदम फेस्टिव वियर लग रहा है। नीचे काफी सुंदर लेस दे रखी है, जिसके ऊपर काफी सुंदर कलरफुल बीट्स का कुछ वर्क दे रखा है, जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। एंड आई होप कि आपको भी अट्रैक्ट ही कर रहा होगा, एंड आप भी इसको लेने का सोच रहे होगे। तो अगर लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली, अगर मन बना चुके हो तो इसे ले सकते हो, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है इसकी वो मुझे काफी अच्छी लग रही है। प्राइस वाइज आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अप है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट से भी अगर आप लेने जाओगे, ऑफलाइन भी अगर आप परचेस करोगे, तो 1168 रुपीज में इस पैटर्न में आपको नहीं मिलेगा। सो अच्छा लग रहा है, आप अगर परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ ट्राई ऑन दे रखा है, इसको देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और तो चलो नेक्स्ट कुर्ता दिखाती हूँ आपको, एंड कुर्ता सेट है। नेक्स्ट कुर्ता सेट जो है वो मस्टर्ड कलर का है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो रहा था आजकल ये मीशो पे, एंड मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इसके लिए। हाँ, इससे पहले जो मैंने पर्पल वाला दिखाया उसमें आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा, ओनली बॉटम एंड कुर्ता है। और जो है ये कुर्ता है और बॉटम है ये भी, इसमें भी आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा। सो दिस इज मस्टर्ड कलर कुर्ता, जो कि फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड एंड प्योर कॉटन का मिल रहा है आपको। देख सकते हो बहुत भारी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, मतलब पूरे कुर्ते के ऊपर फ्रंट पे आपको काफी ज्यादा सुंदर वाली कढ़ाई मिल रही है, काफी अच्छी लग रही है। एंड फ्रंट अगर देखें तो सिर्फ इतना सा ओपन कर रखा है, कोई हुक नहीं दिखा, कोई बटन नहीं दिखा, एंड एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और इसका जो कॉटन है ना मटेरियल, वो बहुत स्मूद है एंड बहुत ही प्यारा है। सी इसकी स्लीव्स देख सकते हो आप, ये फुल स्लीव्स आप बोल सकते हो उसे, क्योंकि मुझे तो ये फुली आ रही है देखो। एंड आगे स्लीव्स पे कुछ इस तरीके की लेस मिल जाती है, और ऑर्गेन्जा में गोटे का वर्क दे रखा है। तो सी दिस इज बैक, और सो बॉटम जो दे रखा है ना कुछ इस तरीके से है, इलास्टिकेटेड है आगे पीछे दोनों से। क्वालिटी वाइज इसका बॉटम भी मुझे अच्छा लग रहा है, एंड इस तरीके से लूज है ये। यहाँ पर एक्सेल साइज दिखा रही हूँ मैं आपको, और ये अफगानी स्टाइल में सलवार दे रखी है। नीचे देख सकते हो इस तरीके का पैटर्न है, एम्ब्रॉयडरी काफी बढ़िया लग रही है, एंड इसकी क्वालिटी काफी प्रीमियम लग रही है। आप इस वाले सूट को एक किसी भी डे के लिए चूज करके रख सकते हो और उस दिन पहन सकते हो, काफी ज्यादा डिफरेंट लगेगा। चाहो तो कोई दुपट्टा भी इसके साथ कैरी कर सकते हो, पेयर कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं एक और कुर्ता सेट की। सो दिस इज ऑल्सो इन पर्पल कलर। मुझे नहीं पता था कि मैंने दो कुर्ते ऑर्डर करे हैं एंड दोनों ही पर्पल कलर में हैं। इनफैक्ट दिस इज अ गाउन, ये भी जॉर्जेट मटेरियल में आपको मिलेगा, एंड कुछ कुछ जो इसका पैटर्न है ना, जो ये मैं आप दिखाने वाली हूँ आपको, ये आछो ब्रांड, ये जयपुर की जो कुर्तीज होती है ना उनसे इंस्पायर्ड है, एंड काफी प्यारा लग रहा है इसका भी पैटर्न। ये देखो, ये इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक है, एंड नेक पे आपको गोटे का वर्क मिल रहा है इस तरीके का। सामने प्लीट्स बनी हुई हैं जो कि काफी सही लग रही हैं, एंड ये देखो स्लीव्स हैं जो कि क्वार्टर स्लीव्स हैं। स्लीव्स के किनारे पे आपको वही गोटे का वर्क मिल रहा है जो आपको फ्रंट पे दे रखा है। एज एन अंगरखा स्टाइल इसको बनाने की कोशिश की गई है, एंड पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे चोली कट डिजाइन यहाँ पर इसका
ये स्टिचिंग है एंड ये है इसका फ्लेयर जो कि अनारकली पैटर्न है। इसका जॉर्जेट मटेरियल काफी सॉफ्ट लग रहा है और काफी बढ़िया है। इसके अंदर जो इनर दे रखा है वो भी क्रेप मटेरियल का एंड वो भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। बैक ऐसे ही है, नीचे से फ्लेयर आप देख सकते हो काफी बढ़िया है। बैक इसमें बॉटम नहीं है, इसमें दुपट्टा दे रखा है। तो ये है इसका दुपट्टा और दुपट्टे में आप देख सकते हो ऑर्गेन्जा मटेरियल है एंड जो दुपट्टे की लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 2 मीटर है, 2.25 भी नहीं है। सो ये है ऑर्गेन्जा मटेरियल का दुपट्टा जिसमें कि किनारे पे आपको गोटे का भरपूर काम दे रखा है, लेस दे रखी है एंड बढ़िया सा वर्क दे रखा है। ये देख सकते हो काफी फेस्टिव वेयर इसका दुपट्टा लग रहा है। इसके ऊपर ये गोल्डन कलर की छोटे छोटे से यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड फूल बना रखे हैं, राउंड राउंड सर्कल्स बने हुए हैं। सो ऐसे आप इसे साइड में इजिली ले पाओगे। आई थिंक दिस इज ऑल्सो एन वेरी गुड ऑप्शन, आप इसे परचेज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं उन 2 साड़ियों की जो कि आज के इस हॉल में मैं लेकर आई हूँ। तो देखो ये ऑर्डर किया था मैंने एंड ना यहाँ पे अंदर दे रखा है एक ब्लाउज, उसके ऊपर दे रखा है एक श्रग एंड साइड से एक बेल्ट दे रखी है एंड श्रग भी जो है फुल दे रखा है। जो मीशो प्राइस है वो 1666 रुपीज है। तो लेट मी चेक कि हमारे पास क्या आया है। तो काफी कुछ किश्तों में आया है, किश्तों में इन द सेंस कि काफी कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं इसका ब्लाउज, ये है ब्लाउज देखो। अब आगे फ्रंट है ये जो, इसके ऊपर काफी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वन का वर्क दे रखा है ये देखो। एंड ये आई थिंक इसका बैक होगा। सो दिस इज ब्लाउज, ये कुछ कुछ चंदेरी कॉटन में है। ब्लाउज के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो तो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। इसके साथ आपको ये भी दे रखा है, आई मीन दिस इज फॉर स्लीव्स आई गेस। हाँ, ये स्लीव्स के लिए दे रखा होगा या बैक के लिए दे रखा होगा, ये है, ठीक है। तो ये 2 तो हो गए ऐसे, और एक और दे रखा आई थिंक ये इनर दे रखा है, स्लीव्स दे रखी है, आई डोंट नो, ये तो चेक करने के बाद ही पता लगेगा। एंड इसके साथ ही आपको मिलती है ये बेल्ट, ये इस तरीके से है और ऑर्गेन्जा मटेरियल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है और इस तरीके की ये काफी चौड़ी सी एक बेल्ट दे रखी है। मैं साड़ी दे रखी है, नीचे शरारा और साइड में पल्लू अटैच है इसके। ये ऑर्गेन्जा मटेरियल में ये देख सकते हो, फ्रंट तो इसका ये है, बैक में इस तरीके से इलास्टिक है, साइड में जिप दे रखी है ये देखो ऐसे, और अंदर क्रेप का मटेरियल है। सी ये है पैटर्न देखो, ये इतने फ्लेयर वाला इसका है बॉटम, और अंदर जो इनर दे रखा है जैसा कि मैंने बताया आपको, इनर इसका दे रखा है क्रेप मटेरियल में, ऊपर ऑर्गेन्जा मटेरियल है। तो ये तो हुआ बॉटम एंड बॉटम के साथ ही आप यहां देख रहे हो अटैच कर रखा है ये पल्लू, और इस तरीके से ऑर्गेन्जा मटेरियल का ये पल्लू है जिसमें ना किनारे पे आपको ये दे रखा है वर्क, जो कि आपके ब्लाउज का पैटर्न था ना, सिमिलर दैट काइंड ऑफ वर्क इज अटैच इन दी पल्लू पोर्शन, और ये यहां पर इस तरीके से प्लीट्स बना के अटैच कर रखी हैं कुछ इस तरीके से। सी दिस इज स्टिच्ड, यहां पर इसके साथ आपको मिल जाता है दुपट्टा। सो अब मैं इसको खोल के दिखाती हूं कितनी इसकी विड्थ है। सी दिस इज 2.5 मीटर दुपट्टा, जहां पे आपको किनारे पे वही वाला वर्क मिल रहा है जो कि आपको आपकी साड़ी के और ब्लाउज के अंदर मिलता है और साड़ी के किनारे पे दे रखा था। तो ये काफी सुंदर कट वर्क दे रखा है, काफी प्यारा लग रहा है ये एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन। इसकी विड्थ भी बहुत सही लग रही है, ऑर्गेन्जा मटेरियल का ये दुपट्टा जो है काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आइटम है वो एक प्री स्टिच साड़ी है, जैसा कि आप लोग बहुत पसंद करते हो प्री स्टिच साड़ी, तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया एंड मुझे काफी डिफरेंट लग रही थी। कलर आप देखो, दिस इज मस्टर्ड कलर एंड इसके साथ भी काफी सारी अटैचमेंट्स दे रखी हैं एंड ये एक लेस दे रखी है बहुत सुंदर सी सितारों वाली। तो लेट मी जस्ट चेक कि क्या क्या है इसके साथ। सबसे एक बेल्ट दे रखी है इस तरीके से, जहां पर आपको स्टिच प्लीट्स दे रखी हैं, ये देखो ऐसे ये प्लीट्स दे रखी हैं, और ये दे रखी है बेल्ट इस तरीके से, प्लीट्स बनी हुई है यहाँ पर सारी, और ये साड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये दे रखा है हुक ऐसे, फल्स मिल जाएंगे इस तरीके की डिजाइन में इन्होंने बनाया हुआ, काफी प्यारा लग रहा है ये। नीचे देखो ये बॉर्डर दे रखा है जिसमें आपको मिरर दे रखे हैं ओरिजिनल वाले, और एम्ब्रॉयडरी भी दे रखी है, लेस भी दे रखी है। सी जो ये वाला पैटर्न दे रखा है ना पूरा लेस का और रफल्स वाला, ये आपको पूरी साड़ी के अंदर नीचे पैटर्न ये वाला मिल जाएगा, पूरा का पूरा नीचे दे रखा है फ्रिल स्टाइल में। इसके साथ जो ब्लाउज दे रखा है उसमें आपको 2 अटैचमेंट्स दे रखे हैं। सी एक तो ये दे रखा है, फ्रंट पोर्शन है या बैक आई डोंट नो राइट नाउ,
आप चेक कर सकते हो। देखो इस तरीके से दे रखा है एम्ब्रॉयडर्ड मिरर वाला, और ये काफी अच्छा सा है काम, मस्टर्ड कलर का है और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना ये भी काफी ब्यूटीफुल लग रही है। देखा इसके साथ एक और अटैचमेंट, अब ये जो दे रखा है स्क्वायर है, आई थिंक ये इसका बैक होगा, फ्रंट जो है वो स्वीट हार्ट था, बैक स्क्वायर दे रखा है, तो ये है इसका बैक, ये देख सकते हो इस तरीके से। ये ब्लाउज के लिए दे रखा है, ये इनर दे रखा है यहाँ पर क्रेम मटेरियल का, इसमें अटैच एक दे रखे लेस जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो 1614 रुपीज इसका मीशो प्राइस है, एंड यहाँ पर आपको काफी अच्छे प्राइस में मिलता है 1400 रुपीज में। सो ये जितने भी आइटम्स मैंने आज दिखाए ना, आई थिंक ये सारे के सारे आइटम काफी डिफरेंट है और काफी ब्यूटीफुल भी हैं और फेस्टिव अप्रोप्रिएट भी हैं। चाहो तो आप अपने ऑफिस में भी पहन सकते हो इन कुर्ता सेट्स को जो आज मैंने दिखाए हैं, बट ये सारे ही काफी ब्यूटीफुल हैं, अफोर्डेबल भी मुझे लग रहे हैं। सो आप लोग बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में दिखाएगा जितने प्रोडक्ट्स हैं आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा एंड कौन सा आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो नीचे मुझे कमेंट जरूर करना, एंड नीचे आपको सभी लिंक्स और कोड्स भी मिल जाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।